जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल से नहीं जुड़े, तो एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाए। हम आज बात करने वाले हैं कि इनके चक्कर में ना आए। बहुत से लोग नर बलि, बहुत से लोग जानवरों की बलि, और बहुत से लोग तरह तरह के उन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जो उन्हें इतने बड़े सपने दिखाते हैं सिर्फ एक छोटे से तरीके से या एक अनैतिक तरीके से कि वो सफल हो जाएंगे। नोटों की बारिश और न जाने कितनी सारी चीज़ें आपको बताते हैं। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ कि आप इसके लिए या उसके लिए, ये आपके इर्द गिर्द किसी भी रूप में कहीं भी हो सकते हैं, आप उन पर ध्यान दें। पहली बात है कि हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हम व्यक्ति को ईश्वर की ओर डाइवर्ट करें, वो सत्ता की ओर डाइवर्ट करें। वो एक ऐसी सत्ता है जिसका कोई छोर नहीं है। ये लोग अपना भला नहीं कर सकते और दूसरों की भला के लिए तमाम चीज़ें आपको बताते हैं, और इसमें आपका मोटा रकम, मोटा धन भी खर्च हो जाता है। वो उसकी वजह से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से उतना जाने कितनी हमें तकलीफें हो सकती है। तो समझदारी इसमें है कि चाहे कोई कितनी भी, इसका पहला जो अंग होता है वो लालच होता है। आपको लालच दी जाती है और वो जो सपने वास्तविकता में नहीं होते हैं उन्हें गढ़ा जाता है। मानो जैसे एक फिल्म जैसे प्रदर्शित होती है, आप देखते हैं फिल्म में जो नज़ारे चल रहे होते हैं वो सब काल्पनिक होते हैं और वो सब निर्माण किए जाते हैं। वैसे ही वो उन चीज़ों को आपके दिमाग में निर्माण कर देते हैं और वो चीज़ें आपकी आंखों के सामने तैरती दिखाई देती हैं, और फिर वो अपने मेन उद्देश्य जो लालच आपसे पैसे लेना है या आपसे जो भी उनका हो वो कराना चाहते हैं। तो पहली बात है कि इन तमाम चीजों में ईश्वर जो है उससे हमें दूर करते हैं, एक अलग ही एंगल, उसके नाम पर हमें एक अलग एंगल दिखा देते हैं। और उससे होता है क्या है, फायदा तो दूर की बात है, नुकसान हमारा बहुत हो जाता है। हम समझ नहीं आता हमें कि हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारा मानसिक स्तर न जाने क्या खोजना चाहता है, और उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। तो एक ही निवेदन है कि इन चक्करों में आप ना आए। जो भी होना है या जीवन में परिवर्तन होना है या जो भी चीज होनी है, वो केवल और केवल आपको ईश्वर के जप से होगा, गीता के अध्ययन से होगा, रामायण के अध्ययन से होगा। और आपके पास जो ईश्वर के नाम जप करने की है, आपका मन शांत रखना होगा, आपको सरल सहज रहना होगा, लोगों की मदद करना होगा, मन में कभी भी लालच छल कपट ना होगा। ये बेसिक सी बातें हैं जो मैं अपने हमेशा बात की कहता हूँ, इन्हीं बातों पर ध्यान आपको देना है।